क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन में दिया है राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी के फर्स्ट फोर टर्म लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। हमको फर्स्ट टर्म ए दिया है और डिफरेंस डी भी दिया है, तो हमको फर्स्ट पहले फोर टर्म फाइंड करने हैं। तो हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं। अब हम ए टू निकालेंगे। पहले फर्स्ट टर्म ए वन, ये है 10, और इसके बाद ए टू। ए टू की वैल्यू निकालने के लिए जो ए है उसमें हमको डिफरेंस ऐड करने का है डी। तो फिर 10 प्लस डिफरेंस भी 10 है इक्वल टू 20, ये हुई ए टू की वैल्यू। उसके बाद ए थ्री की वैल्यू, ए थ्री की वैल्यू के लिए हमको ए टू में डी ऐड करना है। ए टू की वैल्यू है 20, उसमें डिफरेंस डी ऐड किया तो हमको मिला 30, ये हुई ए थ्री की वैल्यू। उसके बाद ए फोर की वैल्यू के लिए हम ए थ्री में डिफरेंस ऐड करेंगे। ए थ्री की वैल्यू है 30, उसमें डिफरेंस 10 ऐड किया तो हमको मिलता है 40। उसके बाद ए फाइव के लिए ए फोर में डी ऐड करेंगे। ए फोर की वैल्यू है 40 प्लस डिफरेंस इज 10 इक्वल टू 50। ओके, तो फिर हम लिख सकते हैं सो द फर्स्ट फोर टर्म्स आर कौन से है 10, 20, 30, 40, 50, ... ये हमको एपी मिल गई। अब क्वेश्चन सेकंड का, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। हमको ए की वैल्यू दी है -2 और डिफरेंस भी दिया है 0, तो हमको फर्स्ट फोर, पहले फोर टर्म फाइंड करने हैं। तो हम पहले ए वन की लिखेंगे। ए वन की वैल्यू है ए टू, उसके बाद ए टू हमको ए वन में डी ऐड करने से मिलेगा। ए वन की वैल्यू है -2 और उसमें डिफरेंस 0 ऐड करेंगे तो ए टू की वैल्यू मिलेगी -2। उसके बाद ए थ्री की वैल्यू के लिए हम ए टू में डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ए टू की वैल्यू है -2 प्लस 0 डिफरेंस इक्वल टू -2। और ए फोर के लिए हम ए थ्री में डिफरेंस ऐड करेंगे इक्वल टू -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। और ए फाइव के लिए हम ए फोर में डी ऐड करेंगे, तो फिर -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। एक बात ध्यान में रखना कि ए और ए वन इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो बोले तो ए और ए वन में बहुत जन कंफ्यूज होते, तो ए और ए वन इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे भी देखो ए और ए वन की वैल्यू सेम है। हमको सीक्वेंस मिल गई है, हम इसको लिखेंगे अब। सो द फर्स्ट फोर टर्म्स आर -2, 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
उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थ्री है। यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 4 और डिफरेंस दिया है -3, तो हमको पहले 4 नंबर निकालने हैं। तो A1 की वैल्यू तो मिल गई डायरेक्टली, A और A1 सेम है। उसके बाद A2 की वैल्यू निकालने के लिए A1 में D ऐड करेंगे, A1 की वैल्यू है 4, उसमें -3 ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो A3 की वैल्यू निकालेंगे, A3 के लिए A2 में D ऐड होगा, A2 की वैल्यू है 1 प्लस उसमें D ऐड हुआ -3, तो आएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। उसके बाद A4 में A3 की जो वैल्यू है उसमें D निकाल ऐड करेंगे, तो फिर -2 प्लस -3 ये आएगा -2 -3 इक्वल टू -5। उसके बाद A4 में D ऐड करेंगे, A4 की वैल्यू है -5 प्लस -3 इक्वल टू -5 -3 इक्वल टू -8। सो द फर्स्ट फोर नंबर आए 4, 1, -2, -5, -8, -8, ये हमारी सीक्वेंस आई।
तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए की वैल्यू दी है -1 और डिफरेंस दिया है 1/2, तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। A1 की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू है 1/2, तो A1 डायरेक्टली मिलता है हमको -1। A2 के वैल्यू के लिए हम A1 में D ऐड करेंगे, A1 की वैल्यू है -1 प्लस डिफरेंस 1/2 ऐड किया, तो -2 प्लस 1/2 इक्वल टू -1/2, ये हुआ A2। उसके बाद A3 के लिए हम A2 में D ऐड करेंगे, A2 की वैल्यू है -1/2 प्लस D की वैल्यू है 1/2, तो ये दोनों ही कैंसिल होता तो हमको 0 मिलता। उसके बाद A3 के वैल्यू के लिए A2 में A4 की वैल्यू निकालेंगे, A4 के लिए हम A3 में D ऐड करेंगे, A3 की वैल्यू है 0 प्लस 1/2, 0 प्लस -1/2 है ना, नहीं 1/2 से, ओके 0 प्लस 1/2 बोले तो 1/2 से आएगा। उसके बाद A5 के लिए हम A4 में D ऐड करेंगे, A4 की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2 D इक्वल टू 2/2 बोले तो 1। ओके सो द फर्स्ट फोर टर्म्स आर, सो द फर्स्ट फोर टर्म्स आर, तो हमको पहले फोर टर्म मिली है, ये है पहला टर्म -1, उसके बाद का है -1/2, उसके बाद का है 0 और उसके बाद 1/2 और 1, ओके कॉमा डैश डैश। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइव नंबर का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दी है -1.25 एंड डिफरेंस दिया है 0.25, ओके तब हम और फोर टर्म निकालेंगे। तो फर्स्टली A1 की वैल्यू है -1.25, उसके बाद हम A2 फाइंड करते, A2 को फाइंड करने के लिए A1 की वैल्यू में D ऐड करेंगे, A1 की वैल्यू है -1.25, उसमें D ऐड करेंगे 0.25, तो माइनस प्लस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ओके। उसके बाद A3 फाइंड करेंगे, A3 के लिए हम A2 में D ऐड करेंगे, A2 की वैल्यू है -1, उसमें प्लस होगा 0.25, तो वैल्यू आएगी -1.25, ओके। उसके बाद हम A4 निकालेंगे, A4 इक्वल टू A3 प्लस D, A3 की वैल्यू है -1.25 प्लस डिफरेंस है 0.25, तो वैल्यू आती -1। उसके बाद A5 के लिए A4 में D ऐड करेंगे, A4 की वैल्यू है -1, उसमें 0.25 ऐड करेंगे तो एडिशन आती -1.25, तो हमको सीक्वेंस मिल गई AP की। सो द फर्स्ट फोर फोर टर्म्स आर -1.25 कॉमा -1 कॉमा -1.25 कॉमा -1 कॉमा -1.25 कॉमा डैश डैश, ओके। इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।